वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। मैं आपको सुबह से अनाउंस कर रही हूँ कि लाहौर में एक इवेंट होने वाला है, ब्राइडल एक्सपो एंड लाइफस्टाइल एक्सपो। और ये हर बार कुछ ऑन एंड ऑफ करवाती रहती हैं। दो पायनियर्स हैं इसकी, अलीजे और सनिया। सनिया अनफॉर्चुनेटली आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन अलीजे हमारे साथ मौजूद होंगी और एक हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त जो गेस्ट है वो भी हम ज्वाइन करने वाली है। नबीला फयाज ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ सीजन विच इज़ वेरी इंटरनेशनल एंड रिप्यूटेड ब्रांड। और सबसे बेस्ट बात यह है कि एग्जिबिट जो हम देखते हैं, समर एग्जिबिट होता है, विंटर एग्जिबिट होता है, लेकिन अब चूंकि ब्राइडल और लाइफस्टाइल एक्सपो होने वाला है मिजान मार्की में टुमारो 9 बजे से रात 12 बजे तक, तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ पर जा सकते हैं। और इनकी पायनियर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, अलीजे वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अलीजे सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, एक फिर एक जबरदस्त इवेंट आप ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है, इस इवेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जी, ये एग्जिबिट हमारे साल में एक दफ़ा होता है, इट्स द ब्राइडल एंड लाइफस्टाइल एक्सपो। यहाँ आपको हर चीज़ जो वेडिंग सीजन से रिलेटेड है मिलेगी। सो देयर्स ब्राइडल्स, देयर्स प्रेट, लग्जरी प्रेट, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, सैलॉन्स, इवेंट प्लानर्स, इवेंट डेकोरेटर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्राइड। ठीक है, लवली। एंड और अगर आप दुल्हन भी नहीं भी हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप शादियों पे जा रही हैं, आपके लिए कुछ है। देयर समथिंग फॉर एवरीवन। अच्छा अलीजे, कितने ब्रांड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दिस टाइम हमारे पास 60+ ब्रांड्स हैं। लवली लवली। तो इसमें तो नबीला भी अपना जो है वो करने वाली है। कैसी आप नबीला? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नबीला, सबसे पहले तो अपने ब्रांड के बारे में बताएं। सीजन्स मुझे हो गया तकरीबन 23 इयर्स शुरू किए हुए। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड अ फास्ट ग्रोइंग ब्रांड। हम लोग लंदन बेस्ड हैं और इस बार फर्स्ट टाइम अलीजे ने हमें इनवाइट किया हमारे लॉन्च के लिए। हम इनके साथ पहले काम कर चुके हैं एंड माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा था, तो इसलिए शी आस्क्ड मी टू कम टू लाहौर। तो आई थॉट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारा बेस लंदन, दुबई, अमेरिका में सॉलिड है। सो फर्स्ट टाइम है हमारा पाकिस्तान में एंड यू नो उम्मीद है इंशाल्लाह लोग हमारे डिज़ाइन पसंद करेंगे। लिटिल बिट डिफरेंट, देयर ईस्ट एंड वेस्ट दे कंबाइंड। एंड दूसरी बात यह कि मैं इंडियन डिजाइनर्स भी बेचती हूँ और वो मैं लाई हूँ यहाँ पर। कौन-कौन से ब्रांड्स हैं, इंडियन डिजाइनर्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? इस बार तो मैं लाई हूँ पंकज निधि, एक नया ब्रांड है जो दिल्ली बेस्ड है, पेटीकोट लेन, दे एसोसिएटेड विद पायल सिंघाल। आई डू ऑल्सो सोल थ्री, अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखे तो वो दिल्ली बेस्ड, 28 ईयर्स उनको हो गया। तरुण के हमारे कुछ पीस इस साल लाए हैं, तरुण तलियाने के। बट ऑल्सो मेरे अपना सीजन्स का जो ब्रांड है, क्योंकि लंदन में मुझे हो गया है, दुबई में बहुत सॉलिड ब्रांड है एंड आपको ना मुझसे थोड़ा अच्छी चीज़ मिलेगी, लिटिल बिट डिफरेंट। सो मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ, आप मेरा ब्रांड को देखें, उसको अप्रिशिएट भी करें। लवली, अप्रिशिएट तो ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली आप लॉन्च करने वाले हो, वैसे भी पाकिस्तानी। और आप चूंकि हम अलीजे कहते हैं दिसंबर सर्दियों का नहीं शादियों का महीना होता है, तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत सारी। और इनकी माशाल्लाह से एस्थेटिक बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है। एम्बेलिशमेंट्स इनके फेदर्स के साथ होते हैं, इट्स रियली समथिंग डिफरेंट। एज नबीला मेंशन कर रही थी, ये हमारे साथ लंदन में बुल्गारी होटल में इनने हिस्सा लिया और इट वाज सोल्ड आउट। सो वी आर रियली होपिंग कि इंशाल्लाह द सक्सेस विल बी द सेम हियर एंड आई एम श्योर इट विल बिकॉज द वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जबरदस्त। अलीजे, अभी चूंकि हम ब्राइडल एक्सपो की बात करें, लाइफ स्टाइल एक्सपो की, साल में एक बार होता है, कितना टाइम हो गया आप इसको कंटिन्यूसली वो करा रहे हैं कंडक्ट, और हर बार रिस्पॉन्स कितना डिफरेंट देखने को मिलता है? मार्केट ग्रोइंग है, इट गेट्स हर साल बेहतर होता है। लास्ट ईयर हमारा कराची में था, उससे पहले हमने फर्स्ट ब्राइडल एक्सपो इन लाहौर किया था 2016 में, वो लाहौर में था। पंजाब की मार्केट मैंने नोटिस की है, हर सीजन में शॉपिंग करते हैं, उनको अपना वार्डरोब हर सीजन अपडेट करना है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पंजाब स्पेशली हमारे एग्जिबिशंस फिनोमिनल होते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, डिजाइनर्स भी बहुत खुश होते हैं। समर एग्जिबिट में भी बहुत जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिजाइनर्स भी, और आता भी रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो तो मैंने खुद भी अटेंड किया। ब्राइडल एक्सपो डेफिनेटली अब मैं करूंगी। आई होप टू सी यू देयर इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, समर एग्जिबिट के लिए फिर ऑल द लेडीज़ को अपना समर वार्डरोब अपडेट करना होता है। अभी ये वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, वेडिंग सीजन के वार्डरोब अपडेट करना है। ब्राइड्स के लिए ये हमने क्रिएट किया था कि एक ब्राइड
आए इवेंट पे और उसके लिए हर चीज प्रेजेंट हो, उसको यहाँ वहाँ नहीं घूमना पड़े, और सब लोगों के पास डिज़ाइनर्स का एक्सेस भी नहीं होता है. तो ये इस इवेंट पे आपके पास एक्सेस है टू द बेस्ट डिज़ाइनर्स, बेस्ट इवेंट प्लानर्स, फूड कॉज ऑन ऑस्ट्रा भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है इस दफ़ा, उनकी वेडिंग केटरिंग मशहूर है. बिल्कुल. एंड हमारे पास 4 PM टमोरो कामिया रोकनी, हाउस ऑफ कामिया रोकनी की फैशन लाइव फैशन प्रेजेंटेशन है. सो वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल. लवली लवली. अच्छा नबीला, चूंकि हम लंदन की, अभी आप बताई थी आपका ब्रांड भी लंदन बेस्ड है, तो वहाँ पर आप किस तरह का जो एक ट्रेंड देखती हैं ब्राइडल जो वेयर है या फॉर्मल वेयर सेमी फॉर्मल, क्योंकि आप ज़्यादातर पहले हम प्रैक्टिस ये देखते थे कि यहाँ से कपड़े बनवा कर, अब चूंकि डिज़ाइनर्स इंटरनेशनली इतना काम करें तो वहाँ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? वहाँ पर लोग, देखो वहाँ पर अपने लोग तो बहुत हैं, उनको चाहिए अच्छे डिज़ाइन, बेशक वो यहाँ से लेकर जाए या वहाँ से. उनका जो एक्सेस अब लंदन में है ह्यूज है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो लंदन बेस्ड डिज़ाइनर्स हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करते कि वहाँ का मार्केट को क्या चाहिए. और मैंने देखा है कि नॉट ओनली UK में, पाकिस्तान, दुबई, यू नो इंडिया, मेरा आई हैव माय सेटअप इन इंडिया, इंडिया में मेरा बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पाकिस्तान में भी है. दुबई में हमने अभी सेटअप लॉन्च किया है. तो मैंने देखा है कि जो अप ट्रेंड है, लेडीज़ को एक तो कुछ अच्छा चाहिए, दे वांट समथिंग वेरी वेल मेड. वो चाहते हैं कि पीसेस जो हों उनके थोड़े यूनिक हों, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म की तरह ना हो. तो मैंने देखा कि डेफिनेटली वहाँ पर यहाँ की तरह जो स्पेंडिंग पावर है, पीपल स्पेंड करने के लिए डेफिनेटली वो राजी हैं. अगर चीज उनको थोड़ा अच्छी चीज मिले, अच्छी क्वालिटी डिजाइन थोड़ा खर्च करो, और उस मार्केट में मैं आती हूँ, आई फील दैट गैप. तो मेरी कोशिश होती है हमेशा, नॉट जस्ट है लंदन में भी, कि हम कुछ यूनिक बनाएं, कुछ डिफरेंट बनाएं. 23 years इस मार्केट में सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, और माशाल्लाह चैलेंजिंग, और जिस तरह से ग्रो कर रही है उसके लिए और भी ज्यादा. एंड मैंने देखा है मार्केट बहुत यहाँ पर वर्सेटाइल हो गई है, नॉट जस्ट है दुबई आपने देखा है, इंडिया देखा है, लंदन देखा है. तो लोगों को कुछ थोड़ा हट कर चाहिए, रादर देन द सेम सेम एज लंदन. यू नो दे लव द पाकिस्तानी ट्रेंड, दे लव द इंडियन ट्रेंड. तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को कंबाइंड करके थोड़ा यूनिक चीज फ्यूजन के साथ जबरदस्त. अलीजा नबीला हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.